आपको ये सिखाऊंगी पुरानी चुन्नी और साड़ियों से बना हुआ डोरमेट। इसमें देखिए मैंने ये ऊपर बनाया हुआ है और नीचे में पत्ती बनाई हुई है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए आइए हम इसे बनाना सीख। हेलो दोस्तों, आज मैं ये नई डिज़ाइन का डोरमेट सिखाऊंगी। उसके लिए देखिएगा ये 26 फिंदे हमने डाले हुए हैं। 8 फिंदे मैंने ये ऑरेंज के डाले हैं और 17 फिंदे हमने पीले के डाले हैं और 2 फिंदे हमने ये ग्रीन के डाले हैं। ये देखिएगा किस तरह से हम बनाएंगे इसको। और ये इसमें 4 कलर लगे हैं, लगाएंगे एक पीला, हरा और ये ऑरेंज और नीला। इस तरह से 4 कलर लगेंगे इसमें और 7 नंबर की ये सलाई हैं। ये देखिएगा यहाँ पे मैं एक फिंदा से पढ़ा लूँगी इस तरह से। पहली सलाई से हम शुरू हो जाते हैं, ये इस तरह से बनाएंगे। ये भी सिलाई इसी तरह से जाएगी। 2 फिंदे हम पीले के ऑरेंज कर लेंगे। ये देखिएगा पीले के हमने ऑरेंज कर लिए हैं, बाकी फिंदे में इसी तरह से बनेंगे और 2 बगैर बुने हुए हम नीचे से छोड़ देंगे। ये फुल साइज में बना रही हूँ। ये देखें 2 फिंदे हमने बगैर बुने हुए छोड़ दिए हैं और ये पहली सिलाई से मुझे स्टार्ट करना होता है। ये भी सिलाई हम इसी तरह से बनाएंगे, जो जहाँ फिंदा है उसी कलर से बनाएंगे। जो हमने एक एक्स्ट्रा फिंदा डाला हुआ है उसको ये चैन बनाने के लिए इस तरह से इसे हम सीधा यहाँ पे बिनेंगे तो बाकी फिंदे हम उल्टे ही बनाएंगे। ऊपर की साइड पे फिंदे हम बढ़ते रहेंगे इसी तरह से एक एक करके। ये देखिएगा फिर से इस तरह से यहाँ पे हम 8 फिंदे बढ़ा लेंगे, फिर हम आपको ऊपर की साइड पे दिखाएंगे। और यहाँ पे हम 2-2 करके, जब जो 2 हमने कर लिए हैं 6 और हम कर लेंगे, इन 6 फिंदों को पीला और कर लेंगे तब हम आपको दिखाएंगे। ये देखिएगा हाफ पत्ती बनके तैयार हो गई है यहाँ पे और 8 फिंदे हमने पीले के ऑरेंज कर लिए हैं। और इधर देखिएगा, इधर हमने 5 फिंदे बढ़ा लिए हैं और हमें 3 फिंदे और बढ़ाने हैं। ये देखिएगा अब हम कलर चेंज, यहाँ पे यही कलर रहेगा अभी। ये देखें अब हम नीला कलर लगा रहे हैं। ये 2 फिंदे पीले के नीले कर लिए हैं और ऑरेंज के फिंदे हम, ये देखिएगा यहाँ से देखिएगा 5-10 फिंदे हमारे पास ऑरेंज के नीचे उतरे हुए बचे हुए हैं। सिलाई को पलट लिया यहीं से। अब नीले वाले इसी तरह से हम 2-2 फिंदे छोड़ने लगेंगे और ऊपर की साइड बढ़ते जाएंगे। ये भी सिलाई इसी तरह से जाएगी, जो जहाँ फिंदा है उसी हिसाब से हम लगाएंगे उसको। अब ऑरेंज नहीं लगाएंगे। ये देखिएगा ये भी हाफ कली बनके तैयार हो गई है। अब ऊपर का देखना, ऊपर का हमें अब क्या इसमें करना है, इसमें और डिजाइन डालनी है।
इसमें ये वाला कलर पिंक वो ऑरेंज लगाना है मुझे। आठ फिंदे बढ़ चुके हैं, उसके बाद ही हमें ये डिजाइन चालू करने हैं। और दो फिंदे हम जे यहीं पे रखते हैं हरे के, इनको नहीं भुनेंगे। इसी तरह से हम दो दो फिंदे छोड़ते जाएंगे। अब ऑरेंज के छोड़ने लगेंगे बगैर बुने हुए दो दो फिंदे करके, और इनको आठ फिंदे जो बढ़ाए हैं इसी तरह से दो हम फिर छोड़ देंगे, फिर दो छोड़ देंगे, फिर इसके बाद दो छोड़ देंगे, फिर इनको बिन लेंगे, फिर ऊपर तक आ जाएंगे छोड़ते हुए। तब हम आपको ये देखिएगा, दो दो फिंदे करके मैंने ऊपर तक छोड़ दिए हैं बगैर बुने हुए। अब देखिएगा क्या करना है, ये दो फिंदे हमने बनाए हुए हैं इस तरह से बुन लेंगे, इनको भी साथ में दो दो फिंदे करके इस तरह से हम बुन लेंगे। यहीं से मुझे सिलाई को पलटना है और इधर साइड बुनना है। इस फिंदे को मैं सीधा बनाती हूँ साइड वाले को। अब देखिएगा यहाँ गैपिंग बच गई है, तो गैपिंग को भरना है। ये देखिएगा गैपिंग है, तो एक फिंदा यहाँ से उठाएंगे और एक का दो कर देंगे, दो का एक कर देंगे सॉरी, इस तरह से। ये इसी तरह से अभी हम कंप्लीट करेंगे इसको। ये देखिएगा ये ऊपर की कली बनके तैयार हो गई है। अब हमें क्या करना है, अब ग्रीन से बुनना है इस तरह से। अब ऑरेंज ऊपर नहीं लगाएंगे हम, ये पूरी सिलाई इसी तरह से निकालेंगे। इस तरह से यहाँ जो हमने एक एक्स्ट्रा फिंदा डाला था वो पीला चलेगा, यहाँ भी हम दो ये ब्लू के पीले कर लेंगे इस तरह से। अभी तक कली ऊपर की साइड आ रही थी, अब ये नीचे की साइड जाएगी। जिस तरह से हमने दो दो फिंदे छोड़े हैं उसी तरह से हम दो दो फिंदे करके इस तरह से बढ़ाएंगे इधर को, नीचे की साइड को, और सिलाई को पलट लेंगे यहीं से। ये देखिएगा इस तरह से चल रहा है ये। अब यहाँ पे जो हमने एक सिलाई दो सिलाई निकाल ली हैं ग्रीन की, तो हम यहाँ से जिस तरह से हमने एक एक फिंदा बढ़ाया था उसी हिसाब से हम एक एक फिंदा कम करेंगे इधर से ऊपर की साइड से, इस तरह से एक एक फिंदा कम करते हुए यहाँ पे दो फिंदे बचेंगे। ये देखिएगा ये ऊपर वाली कली कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें ये वाली कली कंप्लीट करना है, तो इसके लिए ये देखिएगा यहीं से मैं ये ब्लू वाले फिंदे ऑरेंज कर लूँगी। और यहाँ पे गैपिंग बची हुई है और इसी एक कली अच्छी लगे इसलिए हम यहाँ से एक फिंदे को उठा के और इसमें बुन लेते हैं। ये देखिएगा और जिस तरह से हमने दो दो फिंदे उतारे हैं उसी तरह से हमें बुनना है। सिलाई को पलट लिया और ये इस तरह से बुनते जाएंगे। इसी तरह से हम जब नीचे और आ जाएंगे तब हम आपको दिखाते हैं। ये देखें ऊपर से हम फिंदे एक एक करके इस तरह से दो का एक करके मैं उतार रही हूँ इस तरह से, बाकी फिंदे हम बुन रहे हैं। और यहाँ पे दो फिंदे बचेंगे फिर हम आपको दिखाते हैं। अब नीला कलर कहीं भी नहीं लगेगा,
ये इसी तरह से हम कंप्लीट इसको करेंगे, इस कली को। यहाँ आप देखिएगा ऑरेंज है वो हम दो पीले कर लेंगे, जिस तरह से हमने ब्लू के फिंदे पीले किए थे उसी तरह से ऑरेंज के करते जाएंगे। और लास्ट में हमारे पास आठ फिंदे बचेंगे लास्ट में बिने हुए, तो कली बनके तैयार हो जाएगी। ये देखिएगा ये पत्ती बनके तैयार हो गई है। इसी तरह से हमें पूरा डोरमेट कंप्लीट।